दोस्तों आज की वीडियो में हम उगाने वाले हैं मेथी घर पे, और वो भी अक्टूबर के महीने में। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक भी कर दे कीजिए। दोस्तों मेरा नाम है मुकुल और आप देख रहे हैं टेरेस फूड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले तो शुरू कर लेते हैं कि हमें मिट्टी कैसे तैयार करनी है अपनी मेथी उगाने के लिए। तो आइए, तो सबसे पहले तो आपको ये सामने सब कुछ दिखाई दे रहा होगा जो कि हम मिट्टी तैयार करने के लिए यूज़ करेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहले तो आपको ये गोबर की खाद है, ये आपको इजीली अवेलेबल होगी, जहाँ पर भी आपके आस पड़ोस में गाय वगैरह रखी होंगी वहाँ पर आपको इजीली अवेलेबल होगी। उसके बाद दोस्तों आपको ले लेना ये वर्मी कंपोस्ट है, ये आपको रेडीमेड भी मिल जाएगा, और चाहे तो आप इसे घर पर भी बना सकते हैं, जो कि किचन वेस्ट होता है उनको आप एक जगह स्टोर करके। उसके बाद दोस्तों आप ले सकते हैं बोन मील, ये देखिए ये बोन मील है, ये भी आपको रेडीमेड मिल जाएगा। और उसके बाद दोस्तों मिट्टी में जैसे कोई भी कीड़ा वगैरह ना आए या मिट्टी ख़राब ना हो अंदर से, तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये दवाई है, इसका नाम प्रॉफिट सुपर है, ये फिर एक तरह का फर्टिलाइज़र ही है, इसको DTC पाउडर भी कहते हैं हम लोग, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हमें ये आप सामने देख सकते हैं मिट्टी के अंदर ये सब चीज़ें मिला के तैयार कर लेनी है अपनी मिट्टी। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये हमारे वर्मी कंपोस्ट है, जो इसके अंदर नीम खली भी है पहले से ही, आप चाहे तो अलग से भी नीम खली ला के मिट्टी के अंदर मिला सकते हैं। नीम खली का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है मिट्टी तैयार करते समय। सबसे पहले तो दोस्तों इसके अंदर हमने बॉल मील मिला ली थी, उसके बाद हम इसके अंदर DTC पाउडर मिला रहे हैं, और उसके बाद फिर हमें मिलाना है ये अपना वर्मी कंपोस्ट था जो कि गोबर की खाद थी, उसको मिलाते हैं। चलो आइए, हम दोस्तों गोबर की खाद को भी हमें इसके अंदर मिला लेना है, ये देखिए अच्छी तरह से आपको मिला लेना है एकदम, ये देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें मिलाना है इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट, जिसके अंदर नीम खली भी पहले से ही है, आप अगर अलग से ले रहे हैं तो आपको नीम खली भी अलग से मिलानी है इसके अंदर दोस्तों। फिर उसके बाद आपको इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ये देख सकते हैं आप लोग अच्छी तरह से एकदम मिक्स कर लेना है इसे, ये देखिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से हम मिक्स कर रहे हैं, अच्छी तरह से आपको मिक्स कर लेनी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे पहले तो आपको किसी बड़े चीज़ को ले लेना है इसको उगाने के लिए मेथी, आप चाहे तो ग्रो बैग भी ले सकते हैं बड़ा, और आप चाहे तो ये टब भी ले सकते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। इसके अंदर अच्छी तरह से आपको पहले मिट्टी भर लेनी है, ये तो पहले हमने यूज़ करा हुआ टब है, इसके अंदर पहले हमारा धनिया ग्रो हो रहा था, अब इसके अंदर हमने मेथी ग्रो करेंगे क्योंकि धनिया हमने पूरा यूज़ कर लिया है। और दोस्तों हमने धनिया भी उगाया अपनी पुराने वाली वीडियो के अंदर, वो भी आप ज़रूर देखिएगा जाके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमने मिट्टी अब इसके अंदर अच्छी तरह से भर लेनी है, ये देखिए उसको पूरा फुलफिल कर लेना है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से हमने इसके अंदर मिट्टी वगैरह तैयार कर ली है, बिल्कुल अच्छी तरह से मिट्टी डाल दी है, अब इसके अंदर हम सीड्स ग्रो करेंगे अपनी मेथी की। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारी मेथी की सीड्स हैं, ये भी अर्थ गो की हैं, हाइब्रिड सीड्स हैं, इसी की हमने धनिया की सीड्स ली थी, ये देखिए ये हाइब्रिड में सीड्स आपको आपके नज़दीकी दुकान पर सीड्स की अवेलेबल होंगी इजीली। तो देख सकते हैं दोस्तों हमने ये मेथी की हाइब्रिड सीड्स ले ली हैं, अब इसको अच्छी तरह से आपको इसके अंदर चारों तरफ से फैला देना है। तो आइए शुरू करते हैं फैलाना, ये देख सकते हैं आप लोग अच्छी तरह से आपको डाल देनी है इसकी सीड्स, ज़्यादा घना भी नहीं उपजाना आपको, इतनी डालनी है कि ज़्यादा घना भी ना उपजे आपकी मेथी, क्योंकि घना उपजने से ये होता है कि पौधों को अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं मिल पाती। तो दोस्तों इसके अंदर हमने अच्छी तरह से सीड्स डाल लिया, उसके ऊपर मिट्टी डालेंगे हम लोग इसको कवर करने के लिए। तो दोस्तों अब हम उसके अब उन्हें हम उसे हमने उसके अंदर डाल दिया सीड्स वगैरह, अब दोस्तों उसको अच्छी तरह से पानी से कवर कर देना है। आइए दोस्तों अब उसके अंदर पानी देंगे, आइए चलिए। तो ये देख सकते हैं दोस्तों इसके अंदर हमने सीड्स वगैरह डाल दिया, उसके अंदर से अच्छी तरह से पानी दे देंगे चारों तरफ से, अच्छी तरह से पानी से एकदम मतलब इसको अच्छी तरह से कर देना है, जैसे कि चारों तरफ से इसको अच्छी तरह से पानी मिल जाए। और फिर आपको 3 से 4 दिन तक इसको अच्छी तरह से चेक करते रहना है, एक बार कपड़े को उठा उठा के इसके ऊपर से, कि बीज आपके अच्छी तरह से ग्रो हुए कि नहीं। ये देख सकते हैं हमने इसके अंदर एकदम अच्छी तरह से पानी दे दिया, अब तो ये देख सकते हैं आप एकदम हमने मिट्टी के ऊपर पानी डाल के एकदम अच्छी तरह से कर दिया। आप इसको कपड़े से कवर करके रख सकते हैं, हम अभी इसे कवर कर देंगे। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, लाइक गेम रखते हैं 60 लाख का, प्लीज़ कंप्लीट कर दीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस ऐसे अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ शेयर भी कर दे कीजिए जिन्हें गार्डनिंग में इंटरेस्ट होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।